जय श्री कृष्ण। करती है वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तुत भी है जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं। वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकट तिनके और कुछ कांटे गर जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती है कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही है और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल परी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण है ही। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियों कट जाती है। कुंज बिहारी, तुम अपने बेपरम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रख कर हृदय की व्यथा शांत कर दो। जय हो, जय हो। सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती है, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो
हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग करके उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती है, संकेत समझती है और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई है। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिक अधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निजजनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती है।